हमारी जीत हो गई, रानी हार गई। तो रानी सुनी जी, हाँ, हमारी जीत पक्की हो गई। एक काम कीजिए, रानी साहब से 100 सर दिलाई। रानी साहब, हाँ, मंत्री साहब, इस सेंटर थ्री हाउ आर यू पेमेंट। अरे पेमेंट, अबे क्या बात समझ लिया, क्या बात समझ लिया, तो असर बिना ले रहा हूँ। क्या असर भी गए, बहुत अच्छे बदतमीज होगा। महाराज के लिए 100 रुपए देते। सुनो महाराज, चलो राज दरबार चलते हैं। अब ये अभी रानी का सवाल तक आया। हाँ, ये भी बात सत्य है। असर मिलो और सुनो, हमारे खजाने में जमा कर देना इसको। ये तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। वो कैसे? मैंने जो कहा था रानी के लिए कई पत्थर नहीं देने चाहिए, तुम्हारी जीत हो गई, 100 रुपए मिल गई। हाँ, रहा रानी का सवाल, ये पूछो मांग सकती है अपने वचन में। अजी हाँ, थोड़ा मैं और अपने औरतन के बारे में आइडिया जाते हैं। बदला क्या आइडिया तुझे? कहने लगे मैं आदमी दूसरा करूँगा। आदमी करने की बात चल रही है, बता देना। तो ऐसे रोगे जैसे बंजारे कुत्ता मार के रोया था। मैं जानू औरतन के बारे में, मेरा विकास औरतन में सुबह अब पता पड़ जाएगी। बैठ जा आराम से। हाँ, खेल लो। आइए भक्तों, जो लाड होने कह रहे थे वही काम कर रही है रानी। अब देखिए पत्रों में क्या मांग रही है सवाल। हाँ रानी सुनी थी। हाँ, कहिए कहिए, तुम क्या कहना चाहती हो महाराज? कहिए। जब मैं तुम्हारा कहा हर बार करती हूँ, आज मेरे कहने से एक काम कर लीजिए। कहिए, क्या कहना चाहती हो? आप इनकार तो नहीं करोगे? ऐसे हो जाए, इनकार न करेगा तो मैं इनको कोई वैसा काम करवा लगूंगा। सबसे पहले बोलता मैं हाथ तक की खोल लूंगा, तो तुम्हारी छठी तक की। बैठ जाओ मंत्री साहब। इन बातों में तुम्हारे पहले भी हाथ बंद हुए, तुम्हारी दादी मैंने 12 साल कुआरी देखी। कहिए रानी सुनी, क्या कहना चाहते हो? रात वाली बात करते लाइट बंद करने से महाराज। कहिए रानी सुनी, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी मेरी शादी के लिए कितने रोज हो चुके हैं? हमारी शादी को काफी समय हो चुका है, कम से कम 40 साल का अर्थ। हाँ, हो चुकी है। कहिए क्या कहना चाहते हो महाराज? आप मेरे कहने से एक काम कर दीजिए। वो क्या? अरे कर रही हो, कर रही हो तू सिरो, अरे प्यारे मेरे राजा और महाराजा, अरे पिया मेरे। क्या कह रही हो?